Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing well. So, अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ रात हो गया चंदू, रात के बज रहे हैं अभी 8 और अभी हमारा चल रहा है इधर खान पान, जिसमें अभी चंदू बना रही हैं स्प्रिंग रोल और जितना दिन चंदू रहेंगी उतना दिन नए नए आइटम खाने को मिलेंगे. रोज एक्सपेरिमेंट भी होते रहता है घर में नए नए डिशों का. तो आज बन रहा है स्प्रिंग रोल और प्लस में बनेगा बिरयानी, क्योंकि कल रिशु को जाना है और पिछले टाइम में उनको बिरयानी बहुत टेस्टी लगा था, तो हमने उन्हें सोचा कि फिर से बना के खिला देते हैं. और ये लड़का अभी अभी आए हैं घर में, ये जो लड़का है अभी अभी आए हैं. कैसा था बाहर का मौसम कि भैया जान छत पे चले जाएंगे भैया आप लोग? तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है. प्याज तल के बनाना ठीक था, डिमांड तो देखो. एक तो गर्मी में रह पा रहे हैं आप, चंदू को डिमांड और हीरा ना मिला चंदू. तो गाइस पहले पानी पिला देते हैं, उसके बाद आप बॉटल में है वहाँ चंदू आपके लिए रख के रखी है, खत्म हो गया. तो पहले इन लोगों को पानी दे देती हूँ, उसके बाद आप उससे बात करती हूँ. चंदू आप एक्सप्लेन कर दीजिए इसमें क्या क्या आप डाली हैं. बरबट्टी, शिमला मिर्च, बंदा गोभी, गाजर, मिर्ची और मसाला. I want only. हमारे घर में नई कुक आई है गाइस, देखो नई कुक कितना सैलरी लेती है. 5 करोड़. सैलरी तो मिलता नहीं है, घर का काम. 5 करोड़ 5 करोड़. अब मैं प्याज काट देती हूँ. नहीं मत काटिए. मैं काट दूंगी. नहीं आप चिकन धो के चिकन दीजिए मुझे, मैं मैरिनेट कर दूँ. Okay. चिकन धो के मसाला पीस ठीक जी. तो ये चंदू यहाँ पे रोटी को बेल ली है और एक पे एक मतलब ऐसे करके ये क्या करी है ऐसे, मतलब देखो कैसे निकाल रही है. गरम भी लग रहा है इसको, फिर भी वही काम कर रही है. नीचे गाना बज रहा है. तो इस तरह से रोटी बना रही है, उसके बाद ये तैयार हो जाएगा. इसमें भी डबल मतलब रोटी है, तरह से पहले सेक लेगी उसके बाद तलेगी ना चंदू. यस बेब्स. तो अब जा रही हूँ, चिकन भी यहाँ पे आ गया, तो पहले इसको तैयार कर लेते हैं उसके बाद आगे देखते हैं. तो अब इसमें स्टफिंग हो रहा है, मैदा का घोल उधर बना के रखी हुई है. तो इस तरह से इसको फोल्ड कर देना है, ये बनके रेडी हो गया. और इधर तला रहा है और इधर निकल भी चुका है. तो ये मैंने रेडी कर लिया है और अब जाके इन लोग को देते हैं और पूछते हैं कि कैसा बना. खा के जल्दी बताइए. ऐसे क्या होता है, आवाज नहीं निकलता मुंह से. हाँ जिंगाड़ा काटे तो और कैसा है, जोर से बोलिए ना. आ रही, बढ़िया लग रहा है. इलेक से पूछना, सब मेहनत पे पानी फिरने वाला काम. यहाँ पे मैं तैयारी हो रहा है बिरयानी के लिए, इसको निकाल लीजिए जल्दी.
थोड़ा सा इधर होगा। ये भी अब रेडी हो जाएगा जल्दी से। फिर चावल भी बैठाना ना। तो ये सब रेडी हो जाता है, फिर आप लोग से मिलते हो। अभी इधर तैयारी, इधर चावल बन रहा है, प्याज भूंज रहा है, चिकन भूंज रहा है। रीशु का चोटी दिखा। चोटी कौन बना दिया आपका? क्योंकि इनको बाल कटाने बोलती हूँ तो कटाते नहीं है, चोटी बनाना पड़ता। अरे ये हमारा इधर निकल के रेडी है, लेकिन चंदू को टाइम नहीं है भाई, बहुत बिजी पर्सन है, हमको मेरा बात नहीं सुनती है। मेरे घर, हम घर में सबसे छोटे बच्चे हैं ना। फ्रॉक पहनी हो ना, ये चंदू का फ्रॉक है और इसमें मैं डूबी हुई हूँ और मुझे भारी भी बहुत लग रहा है। इन्हें की कुछ कपड़े मेरे साइज का भी खरीदे, प्लास्टिक है बड़ा। कैसा लग रहा? अपना दही कोई खट्टा बोलता? अभी दही खट्टा नहीं बोलता, लेकिन फिर भी बोलेगा ना कि हाँ क्या कमी है क्या नहीं है। हेलो, ठीक है तो मैं ही खा के बताती। तो ये बन चुका है, अब ये बस तैयारी चल रहा है इसका। ये नहीं बर्दाश्त, सबसे ज्यादा रीसू को खिलाइएगा। हाँ वही बोले थे कि दीदी ज्यादा चावल डालिएगा, नहीं खाया ना तो कुटाएगा मेरे साथ। साथ में हम भी कूट देंगे चंदू, ठीक है? नहीं मैं कूटूंगी। तो हम आपको कूटते हैं ना, हम आपको कूटेंगे। मेरी क्या गलती है, वही बोला था बनाने तो मैं बनाई बाबा। हमको नहीं लगता आज ज्यादा बन भी गया है, तो लग रहा क्वांटिटी जब ज्यादा बनता है ना तो टेस्ट खराब हो जाता है, बट आई विश कि सब अच्छा होगा। एक्चुअली हमारे पास बर्तन छोटा पड़ गया था, इसलिए हमने इस तरह से किए। आ गया गद्दारी करवे, नाच लो चंदू। गाइस मैं अब बाद में आप लोगों से मिलूंगी, अब मेरा घर न हिलेगा। हमारे घर में डोसा बन रहा है। नहीं डोसा नहीं है। क्या बना रही है? मुझे भी नहीं पता। क्या कर रही है बोलो? थप्पे 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 थप थप फुलाद मार्ग मुँह थबाक थबाक झूठी पागल बन गया चंदू। बरस करे बना क्या रे अभी ऊपर से जल्दी। ये चोखा को पैक कर रही है। बना क्या रही है, समझ में नहीं आ रहा है। नया डिश बना थे, नया डिश। अच्छा और ये सुन ली है, जो खराब कर दिया तो
खट्टा भाई ना।